निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तिगत की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है आर एच टोनी, ऑप्शन बी हेराल्ड जे लास्की, ऑप्शन सी जे एफ स्टीफन और ऑप्शन डी है अर्नेस्ट पार्कर। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। वैधानिक व्यक्तिगत समानता की अवधारणा का प्रयोग समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यित करने के लिए किसने किया है? टोनी ने, हेराल्ड जे लास्की ने, जे एफ स्टीफेन ने, अर्नेस्ट बारकर ने। चुमन का भी, सहदेव का दी आंसर है। देखो हम कानूनी समानता की बात करें, कानूनी समानता या वैधानिक समानता, इसमें ये माना जाता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है? समान है। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो उच्च वर्ग से है, चाहे वो निम्न वर्ग से है, चाहे वो किसी भी पद से संबंधित है। ये जो कानूनी समानता है, ये विधि के शासन के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकती है। विधि के शासन या कानून के शासन के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकती है, और विधि के शासन का समर्थन ए वी डायसी ने किया है। विधि के शासन का समर्थन किसने किया है? ए वी डायसी ने। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, ये भी विधि के समक्ष समता का जिक्र करता है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। अर्नेस्ट बारकर की हम बात करें, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अर्नेस्ट बारकर की हम बात करें, अर्नेस्ट बारकर ने कानूनी समानता का समर्थन किया है। कानूनी समानता या वैधानिक समानता का समर्थन किया है, और अर्नेस्ट बारकर ने ही समानता के वैधानिक व्यायाम को व्याख्यित करने के लिए वैधानिक व्यक्तिगत समानता की अवधारणा दी है। वैधानिक व्यक्तिगत समानता की अवधारणा दी है, और वैधानिक व्यक्तिगत समानता की अवधारणा देते हुए अर्नेस्ट बारकर ने कहा है कि जो राज्य है वो हमें कानूनी समानता देकर एक जैसे मुखौटे पहना देता है। अर्थात हमारे अंदर कितनी ही विभिन्नताएं क्यों ना हो, कानून के सामने हमारा सबका एक जैसा महत्व होगा। और यही है इनकी व्यक्तिगत समानता की अवधारणा, वैधानिक व्यक्तिगत समानता की अवधारणा। तो बारकर ने लिखा कि राज्य अपने नागरिकों को वैधानिक समानता देकर, वैधानिक समानता देकर एक जैसे मुखौटे पहना देता। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर कितनी ही विभिन्नताएं क्यों ना हो, हम सब कानून के सामने क्या है? बराबर है। कानून के सामने हम सबका महत्व एक जैसा ही है, और यही है इनकी वैधानिक व्यक्तिगत समानता, वैधानिक व्यक्तिगत समान यही है। अर्नेस्ट बारकर
बार्कर की बात करें तो अर्नेस्ट बार्कर एक बहुलवादी विचारक हैं, बहुलवादी विचारक हैं, और इनकी पुस्तक भी है, पुस्तक है इनकी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 की ये कृति है, और इसी कृति में इन्होंने कानूनी समानता का समर्थन किया है, और इन्होंने राज्य को भी कानूनी संस्था माना है। अर्नेस्ट बार्कर ने राज्य को भी कैसे संस्था माना है? कानूनी संस्था माना है। और समानता की भी व्याख्या इन्होंने किस आधार पे की है? कानूनी आधार पे की है।